नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहले कॉनकेव मिरर के लिए, फिर कॉन्वेक्स। इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें रे इंसिडेंट यदि होगी तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी या कैसे होगी। देखिए, पहला पॉइंट तो यह है कि किसी भी मिरर पे जो रे आएगी हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। कहाँ से आएगी? लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट टू राइट रे हमेशा चलेगी, इंसिडेंट रे। ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिगर में किस हिसाब से होगा। ये मिरर हो गया, ये पॉलिश किया गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सी पॉइंट है, एफ है, पी। अब देखिए यदि कोई ये जो लाइन खींची गई है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पहला यह है कि अगर कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वह हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से। इफ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू फोकस। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि कोई रे फोकस से आ रही है, जैसा कि दिखाया गया फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तीसरा क्या है? यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से फिर रिटर्न हो जाएगी। फोर्थ क्या है? यदि कोई रे पैरेलल नहीं है तो सीधे पोल पर आ रही है, तो जितने एंगल से पोल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद फिफ्थ है कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलांग आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलांग आएगी तो फिर सेम पाथ से ये भी रिटर्न हो जाएगी। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कोई भी रे यदि किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली यदि इंसिडेंट होता है तो हमेशा सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा है इमेज फॉर्मेशन, मेथड ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए इसमें हमेशा इमेजिनरी लाइन होती है। तो इसमें भी देखिए, पहला पॉइंट कोई पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। पैरेलल रे रहेगी तो फोकस से क्या होगी? अपीयरेंट रे जो है हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर हो रही है, सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या है? ये पोल पर आ रही है तो जितने एंगल से उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये बैकवर्ड अपीयर शो करेगा। और इसमें भी क्या है? ये परपेंडिकुलर आ रही है तो ये सीधे जाती हुई अपीयर होगी। तो इस तरह से ये आपका इसमें फोर मेथड है कॉन्वेक्स मिरर में, और उसमें जो है फाइव मेथड, इसी के बेस पे इमेज जो है ड्रा किया जाएगा। थैंक यू।